बिसमीम असल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी आई एम योर साइंस टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर साइंस क्लास सो माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर ऑन चैप्टर नंबर फाइव एंड द नेम ऑफ आर चैप्टर इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक चेंजेस दैट मेक न्यू मटीरियल्स लाइक केमिकल चेंजेस सो हम फिज़िकल चेंजेस को प्रीवियसली कुछ लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं आज हम केमिकल चेंजेस क्या होते हैं किस तरह के ये चेंजेस होते हैं किस तरह क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वी विल डिस्कस दैट सो माई डियर स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द लेक्चर लेट्स क्विकली री कैप वॉट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर वट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सनट्रेटेड एंड डायल्यूट सोल्यूशन सो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्यूशन हैज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट और लेस अमाउंट ऑफ सोलवेंट वेयर एज अ डायल्यूट सोल्यूशन हैज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों केसेस में डायल्यूट या कंसेंट्रेटेड सोल्यूशंस जो है वो बनते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करके देखा है आई होप यू हैव वॉच दैट लेक्चर इफ यू हैव एन टू गो एंड वॉच दैट लेक्चर अगेन सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लिट्स क्विकली मूव फॉर्वर्ड टू वर्स एंड एक्टिविटी सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी सम पीसेज ऑफ वुड चेयर एंड सो माई डियर स्टूडेंट्स लकड़ी को बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको कुर्सी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू गेट आर सेल्फ वॉर्म फॉर कुकिंग एंड डिफरेंट परपज इसको जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है सो माई डियर स्टूडेंट्स अब आपको मुझे ये बताना है कि ऑब्जर्व द गिंग चेंजेस इन द वर्ड सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द चेंजेस सो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कुर्सी बनाई गई है और यहाँ इसको जलाया गया है तो जब आपने लकड़ी से कुर्सी बनाई तो क्या आपने इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया नो यू जस्ट मोल्डेड इट इन टू अ चेयर यू जस्ट बिल्ट अ चेयर आउट ऑफ द वुड ठीक है प्रॉपर्टीज जो है वो वुड की सेम है बट वेन यू विल बर्न इट अब क्या होगा कैन यू गेट द वुड अगेन नो यू हैव चेंज इट और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है यू आर गेटिंग एश एंड स्मोक आउट ऑफ इट तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली totally चेंज हो गई हैं इरिवर्सिबल हो गई है चीज़ यानी कि अब आप उसको दोबारा जो है लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते सो दैट इज़ वाई ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है ये जो है रिवर्स ये क्या है ये तो लकड़ी लकड़ी ही रही ना सिर्फ आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये एक केमिकल चेंज है वेयर दिस इज अ फिजिकल चेंज मैं आपको अभी इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी जिससे यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड ओके माई डियर स्टूडेंट सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टूडे सो इन टूडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन मटीरियल दैट मेक न्यू मटीरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जाम्पल डी के इंग बर्निंग एंड रस्टिंग सो माई डियर स्टूडेंट्स आज बच्चे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि के कौन से ऑब्जर्वेबल चेंज हैं जो कि मटीरियल के अंदर हैपन होते हैं यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनकी चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से आप उसको दोबारा जो है उस मटेरियल को नहीं हासिल कर सकते जबकि उसमें से कुछ और बन जाता है जैसे कि लकड़ी को अगर आप जलाएं तो लकड़ी आप वापस तो लकड़ी की हालत में नहीं ला सकते ना बल्कि क्या होता है कि जब आप उसको जलाते हैं तो या तो वो ऐश बन जाती है राख बन जाती है और उसमें से हमें धुआं मिलता है ठीक है आप उससे दोबारा जो है वुड क्रिएट नहीं कर सकते तो इसी तरह से ये जो है एक इर रिएक्शन है इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं आज हम केमिकल चेंजेस के बारे में ही पढ़ेंगे ओके माई डियर स्टूडेंट्स टू नाउ इज द टाइम फॉर प्री रीडिंग क्वेश्चन टेल मी कैन वी गेट बैक फ्रेश लुक ऑफ अ रस्टिंग नेल बाय वॉशिंग सो डियर स्टूडेंट्स अक्सर आप देखते हैं कि लोहे की चीजों को जंग लग जाता है होता है ना ऑरेंज से कलर की हो जाती है वो आप दरवाजों में लोहे की चीजों को लगा हुआ देखते हैं अक्सर और बहुत सी कील होते हैं जिनको जंग लगा हुआ होता है अगर आप उसको साबुन से या पानी से धोएं तो क्या आप उसके जंग को उतार सकते हैं और बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश कील आप हासिल कर सकते हैं नो बिकॉज रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज एंड इट इज इिवर्सेबल ओके माई डियर स्टूडेंट्स सो नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग फॉर विच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर नॉलेज हैव यू एवर नोटिस्ड वाई एप्पल और ग्रीन वेजिटेबल्स गेट ब्लैक वेन यू लीव दैम ऑन द किचन स्लैब फॉर अ फ्यू डेज कैन यू गेट देयर फ्रेश लुक बैक आफ्टर वॉशिंग इफ नॉट दैट वॉट इज द रीजन सो माई डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं अगर आप डबल रोटी को सेब को या केले को बाहर छोड़ दें फ्रिज में ना रखें तो कुछ दिनों के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि डबल रोटी ग्रीन हो जाती है एप्पल जो है वो ब्लैक हो जाते हैं बनाना को जब आप अंदर से पील करके देखते हैं तो वो भी ब्लैक हुए हुए होते हैं बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं उनको खाते तो ऐसा क्यों होता है बिकॉज दे स्टार्ट डी केंग वो गल्ला सड़ना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से क्या आप उनको धो के वापस फ्रेश कर सकते हैं क्या वो फ्रेश हो जाएंगे नो बिकॉज डी केंग इज ऑल्सो एन इिवर्सेबल चेंज ये चेंज नहीं हो सकता ठीक है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप गले सड़े सेब को दोबारा से ताजा एप्पल में चेंज नहीं कर सकते सो दिस इज इर इसी तरह आपकी मदर रोज सुबह आपको एक ऑमलेट या फ्राई अंडा बनाकर देती हैं तो जब आप उसको वो पैन में डालती हैं तो क्या आप वापस उसको उस एग के अंदर चेंज कर सकते हैं नो दिस इज ऑल्सो इिवर्सिबल सो दीज ऑल चेंजेस जिसको आप वापस चेंज बैक नहीं कर सकते दीज आर इिवर्सिबल केमिकल चेंजेस ओके माई डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स सबसे पहले आपको इन पिक्चर्स को गौर से देखना है बर्निंग ऑफ वुड एप्पल डीकेंग आयरन रस्टिंग यानी कि लकड़ियों को जलाना गला सड़ा सेब इसके अलावा जंग लग जाना ये तमाम जो है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस इनको हम क्या कहते हैं इनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं दीज आर इिवर्सिबल चेंजेस यू कैन नॉट चेंज एम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो आपने तमाम जो पिक्चर्स हैं उनको गौर से देख लिया नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड फायर बर्न्स द दवी वुड लॉग्स इनटू टू एश कैन यू रीगेन द वुड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म नो

Such changes are called chemical changes. You can see many chemical changes around. Can you name some of them? Chemical changes can be identified with some साइंस सच है सो माई डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने अब वीडियो को पॉज करना है और आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स केमिकल चेंजेस की दी हैं अब आपने मुझे कुछ केमिकल चेंजेस की एग्जाम्पल्स देनी है uh, कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं सोचें ज़रा ओके वेरी गुड किस बच्चे ने कहा कि जब मम्मा रोटी बनाती हैं आटे से तो वो आटा पक्के रोटी बन जाता है कैन यू टर्न इट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म नो ओके जब आपकी मदर जो है वो रोज आपको अंडा बना के देती है ऑमलेट बना के देती है या आपके लिए मजेदार सी चिकन बिरयानी बनाती है तो क्या वो चिकन वापस जो है वो चेंज हो सकता है नो सो दीज ऑल आर केमिकल चेंजेस ठीक है तो इनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं अभी मैं आपको एक और केमिकल चेंज दिखाऊंगी कि किस किस्म का केमिकल चेंज होता है हम उसको यहां परफॉर्म करेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब केमिकल चेंज होता है तो कुछ नई चीजें भी बनती हैं ओके सो विथ सम साइंस सच एज रिलीज ऑफ एनी गैस एड विनेगर इन टू बेकिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व एनी स्मेल स्मेल ऑफ रोटन एग्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फ्राइड एग्स रस्ट एक्सेट्रा सो माइडियर स्टूडेंट्स कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको दी जा रही है फॉर एग्जाम्पल नाव आई हैव विनेगर हेयर मेरे पास सिरका है यह आपके घर में आराम से मौजूद होता है अक्सर आपकी मदर केक बेक करती हैं तो उनके पास बेकिंग सोडा भी पड़ा होता है तो वॉट आई विल डू नाउ इज आई विल एड सम विनेगर इन टू द बीकर मैं यहाँ बीकर में थोड़ा सा विनेगर लूंगी ओके okay. ये पानी नहीं है दिस इज विनेगर ओके इट इज एन एसिड एंड वट आई विल और ये खानों में यूज होता है अक्सर और बेकिंग पाउडर ये भी आपके केक बनाने में और भी मुख्तलिफ खानों में ये इस्तेमाल होता है सो वट आई विल डू नाउ इज अब आपने इसको गौर से देखते रहना है ठीक है सो वेन आई विल एड बेकिंग सोडा इंटू इट कैन यू ऑब्जर्व समथिंग क्या आपको फिज, फिज, थोड़ी फिजीनेस नजर आ रही है बबलिंग नज़र आ रही है आपको इसके अंदर कैन यू सी इट और अगर आपको मैं क्योंकि इसको फील कर सकती हूँ तो इसके अंदर से कुछ गैस जो है वो भी इवॉल्व हो रही है सो so, क्या है कि इसमें से एक गैस रिलीज हो रही है एंड दिस इज़ अ केमिकल चेंज जिसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक केमिकल चेंज होता है सो रस्टिंग में भी एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड दैट इज इिवर्सेबल वेन यू फ्राई एग्स एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है एंड दैट इज इर रिवर्सेबल सिमिलरली वैन यू एड बेकिंग सोडा टू विनेगर अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म दैट इज द गैस रिलीज ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है इसमें से सो माई डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट इसके अलावा अंडों को जब आप फ्राई कर लेते हैं दे कैन नॉट टर्न बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म द रॉटन वेजिटेबल्स एंड एग्जेट दे कैन नॉट बिकम फ्रेश अगेन इसके अलावा जब आप खाना खा लेते हैं तो उसको भी आप वापस खाना जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बना सकते बल्कि वो डाइजेस्ट हो जाता है सो आई एडेड बेकिंग सोडा टू द विनेगर एंड द गैस इज रिलीज सो अव प्रोडक्ट इज फॉर्म दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन ओके माई डियर स्टूडेंट सो अब एक प्रैक्टिकल आपने करना है यू कैन परफॉर्म इट एट यूर होम्स और बाय पॉजिंग द वीडियो मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी और आपको ये करना है चॉकलेट बटर ब्रेड आइस डो शुगर न्यूज पेपर मैच बॉक्स बर्नर हीट पैन चाइना डिश सो प्रोसीजर क्या है पुट द मटीरियल अब एन हीटिंग पैन वन बाय वन एंड हीट दैम स्लोली रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल बी वेरी केयरफुल वाइल हीटिंग सो माइडियर स्टूडेंट्स जब आप चॉकलेट को हीट करेंगे तो बिफोर हीटिंग इट वॉज सॉलिड क्या स्टेट थी इसकी इट वॉज सॉलिड सो जब आप इसको हीट कर लेंगे तो ये कैसी होगी मेल्टिंग इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड आफ्टर हीटिंग ये कैसी हो जाएगी इट विल टर्न इन टू लिक्विड चॉकलेट सो इज इट रिवर्सेबल और इ रिवर्सेबल सो माई डियर स्टूडेंट्स जब आप उसको हीट करना स्टॉप कर देंगे और थोड़ी देर के बाद यू विल लेट इट कूल तो क्या होगा क्या चॉकलेट जो है वो वापस सॉलिड हो जाएगी या नहीं आपकी चॉकलेट जो है अक्सर गर्मियों में भी आप देखते हैं जब आप मार्केट से लाते हैं तो वो पिघली हुई होती है आप उसको फ्रीजर में रखते हैं तो वो वापस जम जाती है तो दिस टाइम आपने चॉकलेट को जब हीट किया वो मेल्ट हो गई तो क्या जब वो वापस ठंडी होगी तो वो सॉलिड हो जाएगी यस सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होगी ठीक है ओके okay, बटर अब बटर को आप हीट करेंगे पहले ये सॉलिड होता है फिर ये मेल्ट हो जाता है फिर अगेन ये लिक्विड हो जाता है एंड इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज इसमें भी इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी ओके ब्रेड जब आप ब्रेड को हीट करते हैं तो बिफोर हीटिंग ये वाइट कलर की नजर आती है आपको आफ्टर हीटिंग क्या होता है हीटिंग के वक्त इसकी अपेरेंस कैसी हो जाती है इट विल टर्न ब्राउन सो ऑब्जर्वेशन क्या है आफ्टर हीटिंग ये कैसी हो जाती है सी हो जाती है ना सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज आप इसको चेंज नहीं कर सकते ओके आइस आइस भी कैसी होती है पहले सॉलिड होती है फिर जो है वो मेल्ट हो जाती है फिर लिक्विड हो जाती है और जब आप इसको दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज इसको वापस ठंडा करेंगे तो ये दोबारा से सॉलिड हो जाएगी ब्रेड डो इसको भी जब आप हीट करेंगे तो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज शुगर को जब आप हीट करेंगे दिस इज ऑल्सो इिवर्सेबल चेंज न्यूज पेपर को जब आप हीट करेंगे दिस इज ऑल्सो एन इिवर्सेबल चेंज बिकॉज इट विल बर्न सो हेयर लिक्विड मेल्ट हो जाएगी जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएगी ब्रेड को जब आप हीट करेंगे तो इट विल बेक्ड ब्रेड हो जाएगी तो इसको आप वापस इस तरह से वाइट नहीं कर सकते सो दिस इज इर रिवर्सेबल सो so, इसी तरीके से आपने वीडियो को पॉज करके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद योर टीचर वेरी गुड ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो नाउ इज द टाइम फॉर वैल्यूएशन सो व्हाट आर केमिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस आर इर चेंजेस एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इन केमिकल चेंजेस सो डू केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल और इिवर्सिबल दे आर आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते वापस चीज को वैसा नहीं बना सकते जैसी वो ओरिजिनल फॉर्म में थी सो दिस इज इिवर्सिबल सो प्रैक्टिस इज द वर्कशीट सो यू हैव टू डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर राइट डाउन योर नेम एंड योर रोल नंबर एंड देन वट इज केमिकल चेंज सो आपको केमिकल चेंज जो है इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो केमिकल चेंजेस हैं सो दिस इज अ केमिकल चेंज दिस इज अ केमिकल चेंज This is an ice cream, so it will melt. This is not a chemical change, this is a physical change. So, you will write here physical change, and this is also a chemical change. So, next part of the worksheet is what are chemical changes? You have to define it. Why chemical changes are called irreversible? Give examples. सो केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल बिकॉज न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म ठीक है फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम सिर्फ आप उसकी स्टेट को चेंज करते हैं वेयर एज एन केमिकल चेंज अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म जिसकी वजह से आप उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते एग्जाम्पल है मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विद विनेगर डीकिंग रस्टिंग सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस सो माई डियर स्टूडेंट्स फॉर होमवर्क यू विल डू क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स फ्राम सेक्शन बी गिवन ऑन पेज नंबर सेवेंटी फोर इन योर नोट बुक्स एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एट होम आपको जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने करवाए हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को आप घर में हीट करके देखें लाइक आइस ब्रेड एग्स चॉकलेट न्यूज पेपर को हीट करें और फिर आप देखेंगे इनमें से कौन से रिवर्सेबल हैं और कौन से इ रिवर्सिबल चेंजेस हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स दिस विल बी योर होमवर्क इसके अलावा आपने ये क्वेश्चन कम्प्लीट करने हैं एंड द रैप अपसन इज टूडे वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट कैमिकल चेंजेस लाइक बर्निंग डीकिंग रस्टिंग एंड द रिलीजिंग ऑफ सम गैसेज सो दीज आर ऑल कैमिकल चेंजेस विच आर इिवर्सिबल सो ऑलवेज रिमेंबर के कैमिकल चेंज में एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है आई होप यू हैव इन्जॉय टूडेज लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ है गुड डे थैंक यू सो मच अनुज